हेलो गाइस, आकाश दीप हिरन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अराउंड रे के संदा। सो गाइस, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एक एंड्रॉइड फोन से फोटो एडिटिंग यानी फोटो में किसी भी शॉट का कलर को चेंज कैसे करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है, इसलिए आप ये वीडियो को पूरी तरह देख लीजिएगा। एंड इस वीडियो में दो स्टेप्स की बात करेंगे हम। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, इसके लिए आपको एक टिप दे देता हूँ मैं कि इसमें आप जितना हो सके लाइट कलर, जैसे कि मेरा तो ये वाइट ही है, लेकिन आप कोई भी लाइट कलर यूज़ कीजिएगा। आप डार्क जैसे कि ब्लैक या नेवी ब्लू ऐसा यूज़ मत कीजिएगा, वरना ये अच्छे से काम नहीं करेगी। सो चलिए अब ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, इस ट्रिक के लिए आपको पिक्सार्ट ऐप चाहिए होगा। सो चलिए इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। एंड ये ऐप ओपन हो रहा है, एंड उसके बाद आपको ये प्लस आइकन पे क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ से आपको अपनी फ़ोटो चूज़ कर लेनी है। मैं अपनी ये जो थंबनेल वाली फ़ोटो है इसी को चूज़ कर लेता हूँ। एंड आप देख सकते हैं, ये मैं आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ, ये मैंने बहुत ही बेस्ट का सिंबल दिया है। एंड इस ट्रिक के लिए अब आपको ये जो FX वाला बटन है इस पे टैप कर देना है एक बार। ओके, सो FX पे टैप करते ही आपको कुछ ऐसे अलग अलग इफेक्ट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे ये इफेक्ट, HDR, डॉजर। सो हमको ये इफेक्ट नहीं चाहिए, हमको यहाँ नीचे से हम राइट में स्वाइप कर देंगे, लेफ्ट की तरफ स्वाइप कर देंगे। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ये कलर्स। सो इस कलर्स वाले ऑप्शन पे हमको टैप करके ये जो कलराइज वाला बटन है इस पे हमको एक बार क्लिक कर देना है। एंड आप देख सकते हैं कि पूरी हमारी जो इमेज है वो ब्लू हो चुकी है। एंड इसको हमको क्या करना है कि हमको सिलेक्ट करना है हमारा एरिया। उसके लिए क्या करना है, जो ऊपर इरेजर जैसा ऑप्शन दिख रहा है इसमें हमको क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ से हमको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, सिलेक्ट, रिस्टोर, इरेजर, ये सब ऑप्शन। तो हमको सबसे पहले इरेजर चूज़ कर लेना है। एंड पूरी फ़ोटो में हमको ऐसे स्वाइप कर देना है। एंड पहले तो हम पूरी इससे फ़ोटो से ये ब्लू कलर हटा देंगे। ये क्या एक्चुअली सिलेक्ट करता है कि आपको ब्लू कहाँ पे करना है। एंड अब हमको ये करना है कि ये जो रिस्टोर वाला बटन है ब्रश जैसा आइकन, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर टैप करके पहले हम इसकी थोड़ी सी हार्डनेस बढ़ा देंगे, कुछ 90 के अराउंड या 86-87 के अराउंड आपको कर लेनी है। फिर फोटो पे जूम करके आपको क्या करना है, आपको ऐसे ना ये फ़ोटो को कलराइज करते रहना है, एंड अनटिल आपकी सिर्फ टी शर्ट को आपको कलर करना है। एंड अगर आपकी टी शर्ट पे लोगोज हैं, जैसे मेरे पे तो लोगोज ही लोगोज हैं, तो पहले आप इसको भी कलर कर दीजिए, उसके बाद आप उसको फिर से मिटा दीजिएगा। सो चलिए इसको कलर करते हैं। ओके, सो गाइस देख सकते हैं कि ये टी शर्ट तो मैंने कलर कर दिया है, बट अब हमारे लोगो को हमको फिर से बैक लाना है क्योंकि ये भी कलर हो चुका है। सो इसको तो मैं ऐसे टैप कर करके कर देता हूँ, बट ये मैं बहुत ही रफली करूँगा क्योंकि मुझे तो जस्ट आपको ये डेमो दिखाना है कि इसको कैसे करते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको डिटेल में करना है तो आप डिटेल में भी कर सकते हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वरना ये फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सो गाइज, अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी टी शर्ट को सिलेक्ट कर लिया है। एंड अब हम इस राइट वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे। एंड अब अगर मैं जाऊँ ये कलराइज वाला जो ये बटन है इसी पे एक बार टैप कर दूँ, तो आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आ गए हैं स्लाइडर में, फेड और नीचे जो ह्यू है। सो इस ह्यू को ही हमको चेंज करना है, क्योंकि हमको अगर चाहूँ तो मेरा ब्लू कलर तो हो गया, लेकिन आप देखेंगे तो मैं ह्यू को अगर चेंज करूँगा तो मेरी टी शर्ट डिस्को लाइट बन चुकी है, आई मीन कलर चेंज कर रही है। सो आप देख सकते हैं अभी रेड है, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड करूं ऐसे तो येलो, अब ये ग्रीन नियॉन, देन ब्लू। ओके, एक्चुअली ब्लू में मैं प्रिंट करा तो अच्छा दिखता। एंड अब देख सकते हैं डार्क ब्लू, पर्पल, पिंक, रेड। सो ये रहे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस। आप ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए कि आपकी टी शर्ट कौन से कलर में सबसे बेस्ट लगने वाली है। एंड ऐसे ही आप अपनी शर्ट का कलर बहुत ज़्यादा आसानी से चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उस फ्रेंड को जिसको फोटो एडिटिंग अच्छे से नहीं आती है, एंड वो इस ट्रिक को सीख जाए ताकि वो उस बेचारे का भी भला हो जाए। सो तब तक के लिए बाय बाय।